जय शनिदेव मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि गुरुवार 10 जून को लगने जा रहा है। दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। और खास बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत है। इसीलिए दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण कई मायनों में आपके लिए खास रहने वाला है। दोस्तों, भारत में यह सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर दिखाई देगा और भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम के 6:41 पर खत्म होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग दोस्तों 5 घंटे रहने वाली है। दोस्तों, इस बार ज्योतिष शास्त्र के दौरान देखें तो शनि जयंती और सावित्री व्रत शनि अमावस्या होने की वजह से यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खास, सूर्य पुत्र शनिदेव की भी जयंती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी विशेष प्रकार से इच्छा है तो अपने इष्ट देवों का जाप करें, इष्ट देवों को याद करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और कोई भी भगवान सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर मंत्र आदि जाप करने के बाद दोस्तों आपके जीवन के अंदर बदलाव देखने लग जाएंगे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए और ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण के अनुसार दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दान में खाने की चीजें शामिल होनी चाहिए। आप चावल, आटा, दाल, घी, गुड़, दही, सब्जियां आदि दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार से सामग्री किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही दें जिससे उसके उदर की अर्थात पेट की भूख की शांति मिल सके, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत है तो कहीं महिलाओं के मन के अंदर यह सवाल रहता है कि आखिर क्या करें ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो और उन्हें हर प्रकार की खुशियां मिले। तो दोस्तों, अमावस्या का ये उपाय उनकी पति की लंबी उम्र के लिए कि आखिर आप क्या करें ताकि आपके पति की दीर्घायु हो और उन्हें हर सुख की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है जो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको जरूर करना चाहिए। महिलाएं क्या करें कि अपने सुहाग के निमित्त आप क्या करें, एक कुमकुम लें। महिलाओं को कुमकुम लेने के बाद एक कटोरी लेनी चाहिए जो कि स्टील की ले सकते हैं या प्लास्टिक का न लें, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक राहु का प्रतीक होता है। तो आप एक कटोरी ले लें और उस कटोरी के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा जो आप सिंदूर कुमकुम लगाते हैं वह कुमकुम आपको ले लेना चाहिए। और लेने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस कटोरी के सबसे नीचे आपको लाल सिंदूर की सहायता से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए और का निर्माण करने के बाद उसके अंदर आप सिंदूर डाल दें। और उसी के साथ ही आप क्या करें, एक कटोरी लें या एक प्लेट ले सकते हैं, उसके अंदर आप चावल रखें और चावल को बिछाकर उसके ऊपर दोस्तों वह कटोरी आपको रख देनी चाहिए। और आपके सुहाग की जो चूड़ियां होती है वह चूड़ियां लें। चूड़ियां इस प्रकार से लें कि आप संख्या में जिस प्रकार पहनते हैं दोनों हाथों में, और दोनों हाथों की चूड़ियां लें और वह आपको इस कुमकुम के पास आपको रख देनी चाहिए। और रखने के तत्पश्चात आप क्या करें कि अपने घर की छत, क्योंकि दोस्तों यह सूर्य ग्रहण है और वट सावित्री व्रत है, तो इसके लिए आपको दो चीजें तो आपके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, वट के पत्ते तोड़कर लेकर आए और वट के पत्ते साथ तोड़कर लाएं। यह 7 पत्ते आपको जमीन पर रखने के बाद वह प्लेट और कटोरी इसके ऊपर आपको रखनी चाहिए। और उसके बाद आप क्या करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको मन ही मन जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के तत्पश्चात आप क्या करें कि आपके पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उस कुमकुम को वहीं अपनी घर की छत पर आपको छोड़ कर आ जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अमावस्या की शाम के समय आप आए और अपने शाम के समय आने के बाद आप अपने पति से उसे जो आपने कुमकुम सिंदूर छोड़ा है उससे अपनी मांग भरवाएं। दोस्तों, आप देखेंगे किस प्रकार आपके पति दीर्घायु होते हैं, कभी भी उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहती, और कोई समस्याएं भी होती है तो तुरंत प्रभाव से वह समस्याएं चली जाती है। उनके जीवन के अंदर ऐसी खुशियां देखने को मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी तरह आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, शनि अमावस्या है और वट सावित्री का व्रत है, तो आप चाहते हैं कि यमराज भी आपके पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इस दिन आपको घर के अंदर कुछ प्रकार का मीठे का भोग लगाकर पति पत्नी को साथ में भोजन करना चाहिए। माना जाता है इस प्रकार की खुशियां बिखेरने से परिवार के अंदर एकाएक शांति अपने
आप ही स्थापित हो जाती है और दोनों का मीठा खाने से परस्पर प्रेम भी बढ़ता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।